नेम्स हैं, और जो बच्चे ठीक है। पढ़ाने है ना, वो फिर मुझे अभी पता चला है कि इसके भी दो नेम्स हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक नहीं है ना मेरे पास इसकी, तो आपके टैक्स ही कर रहे। तो जो आपने पढ़ाई है ना, उनको मैंने देखा है, उनके दो दो नेम्स हैं, तो मुझे ये लगता है क्योंकि वो थीम होगा उसमें शायद, इस वजह से उनका वो उन्होंने टाइटल नेम दिया है। अच्छा मैम, आपको बता देती हूँ कि वो क्यों है। एक्चुअली वो जो पुराने वाले नेम्स हैं वो ट्रांसलेशन है, बिकॉज ये इटालियन पोइट था ना, तो इसने इटालियन टाइटल्स को एक्चुअली ट्रांसलेट किया। फॉर एग्जांपल ये है ना, द लवर फॉर शे द लॉन्ग लव दैट माई इन माई थॉट डॉट हार्बर, ठीक है, ये इसका इंग्लिश नेम है। लेकिन इसका एक और नेम है, द लवर फॉर शेम फास्टनर हिट इज हिज डिजायर विद इन हिज फेथफुल हार्ट, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, जो कि इसके इटालियन नेम्स हैं उनको ट्रांसलेट किया गया है इन इंग्लिश ना। तो ये जो है, ये जो अभी हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्चुअली पेट्रार्क की पोएट है, पोएम है, जिसको इसने ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश, द लॉन्ग लव दैट इन माय थॉट डॉट हार्बर, ठीक है, ये इसने इसकी ट्रांसलेशन है एक्चुअली इटालियन पोएम्स की। तो सारे जो जिसने जितने भी टाइटल्स रखे ना, एक्चुअली वो इटालियन टाइटल्स थे, और फिर उसने उन टाइटल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और उसके बाद जो है, उसके अलावा जो इसके न्यू इंग्लिश नेम्स है वो डिफरेंट है। जैसे सेकंड पोएम है, द लवर डिस्पेयरिंग टू अटेन अनटू हिज लेडीज डिसग्रेसेस। एक और चीज ये कि इसने जो है बहुत सारी पोएम्स ऐसी हैं जिसका जो टाइटल है ना वो फर्स्ट लाइन भी है, ठीक है, तो इस वजह से इनकी सारी पोएम्स जो हैं उनके टाइटल्स जो हैं वो दो दो हैं। चलिए जनाब, आज की पोएम की तरफ चलते हैं। दैट इज योर पोएम, द लवर फॉर शेम फास्टनेस हिडन हिज डिजायर विद हिज फेथफुल नेम, ठीक है। असल में ये जो नज़म है पेट्रार्क की, एक नज़म है, बिल्कुल इसी नज़म को, इसी पोएम को बेटा आगे सरे ने भी, जब आप सरे पढ़ेंगे तो सरे ने भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, और उसने फिर अपनी जबान में उस ट्रांसलेशन को इन पोएट्री जो है वो कन्वर्ट किया है। तो वाइट एंड सरे दोनों ने पेट्रार्क की इस पोएम को, जो कि कौन सी है, द लवर फॉर शेम फास्टनेस हिट हिज डिजायर विद हिज फेथफुल हार्ट, ठीक है, ये इटालियन पोएम थी, इटालियन टाइटल है। देन अगर हम इसको, इसका इंग्लिश नेम पढ़ते हैं तो फिर ये कौन सा है, द लॉन्ग लव दैट इज माई थॉट डॉट हार्बर, ठीक है, दोनों तरह से ही इनके जो है वो टाइटल्स आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो मैंने अपनी बुक के ऊपर जो है वो टाइटल्स लिखे थे, मैं आप लोगों को बाद में इसकी ट्रांसलेट वो जो कंटेंट है बेटा वो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, मैं अपनी बुक का जो पेज है, क्योंकि मेरी है थोड़ी पुरानी किताब है, तो उसके अंदर सारे पुराने वाले टाइटल्स लिखे हैं, फिर मैंने उन टाइटल्स के ऊपर फिर न्यू टाइटल्स जो है वो ऐड किए थे। ये आप पढ़े ना, द लॉन्ग लव दैट इज माई थॉट डॉट हार्बर, ये मेरी बुक के अंदर नहीं है। मेरी बुक के अंदर जो पोएम का टाइटल लिखा हुआ है वो द लवर फॉर शेम फास्टनेस लिखा हुआ है, और लॉन्ग लव दैट इज माई थॉट हार्बर, ये देखें, ये इसकी फर्स्ट लाइन है और यही इसका टाइटल है, ठीक है, जो आपको न्यू बुक्स के अंदर मिलेगा, ये देखें, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी पोएम्स हैं जो एक्चुअली उनका जो पुराना नाम है वो कुछ और है, और उनको जो टाइटल दिया हुआ है वो फर्स्ट लाइन भी टाइटल दिया हुआ है। अच्छा जी, द लॉन्ग लव इन माई थॉट हार्बर की तरफ अब हम चलते हैं, कि वॉट इज द लव बेसिकली हेयर, वॉट इज द टाइटल हेयर। लॉन्ग लव बेसिकली ऑब्वियसली एक विमेन लव है, विमेन लव विद अ विमेन है, जो कि यहाँ पे एक लवर है जो कि अपनी बिलव्ड के बारे में लिखता है, बट द लॉन्ग लव, ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉन्ग लव में उसने एल लॉन्ग और एल लव दोनों जो है कैपिटल में लिखे, राइट, थॉट को भी उसने कैपिटल में, टी कैपिटल है, इन माय थॉट हार्बर, जो कि मेरी थॉट में, वो लॉन्ग लव जो कि मेरी सोचों पे हावी हो चुका है, यानी कि वो लव जो कि अब यहाँ पे लव जो है उसको उसने शिवैलरिक क्वालिटी दी है, ठीक है, वो ये कहता है कि ये वो मोहब्बत है जो कि मेरी सोचों के ऊपर एक्चुअली हावी हो गई है। तो यहाँ पे वो जो लव है वो उसको अपना एक एनिमी समझता है, ठीक है, ये वो लव है जो कि उसके सामने आगे खड़ा हो गया है, और यहाँ पे वो लव को परसोनिफाई करता है, यानी कि ये वो लव है जो कि उसके साथ फाइट करता है। आगे चलते हैं कि
इसका बेसिकली सब्जेक्ट क्या है, अल्टीमेटली दिस इज अ पोएम अबाउट अ लवर हु इज इन लव विद अ वुमन बट हुज फंडामेंटल एलिगेंस इज टू लव विद इटसेल्फ। ठीक है, अब क्या है, एक लवर है जो कि इन लव है विद अ वुमन, लेकिन जिसका फंडामेंटल एलिगेंस क्या है, टू लव इटसेल्फ। ठीक है, वो खुद से मोहब्बत करती है इन द फर्स्ट जो सॉरी उसका जो मेन दुश्मन है वो कौन है, टू लव इटसेल्फ। ठीक है, लव जो है वो खुद से उसका दुश्मन है। इन द फर्स्ट फोर लाइंस ऑफ दिस पोएम लव इज पर्सोनिफाइड एज लॉनली नाइट। ठीक है, पहले तो वो लव को पर्सोनिफाई करता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एक इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि चल फिर नहीं सकती उसको इनएनिमेटेड कहते हैं। एनिमेटेड ऐसी ऑब्जेक्ट जो चल फिर सकती है उसको हम एनिमेटेड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मशीनें चल रही हैं, तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को अगर हम इंसानों के ट्रेट्स दे दें तो हम उसको कहते हैं कि हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया। तो यहाँ पे लव क्या है, ये पर्सोनिफाइड हो गया है एज अ लॉनली नाइट। उसको एक लॉनली नाइट के तौर पर दिखाया जाएगा, एक बहादुर सिपाही के तौर पर दिखाया जाएगा, हु टेक शेल्टर इन स्पीकर्स थॉट, जो कि स्पीकर की थॉट्स पे हावी हो चुका है या वहां पे जाके शेल्टर ले चुका है। एंड कीप हिज होम इन स्पीकर्स हार्ट, और वो जो है स्पीकर के हार्ट में अपना घर बना चुका होता है। यानी कि अब क्या है कि वो लव जीत गया है और जो स्पीकर है वो हार चुका है। ठीक है, उस लव के, तो देयर इज अ फाइट बिटवीन द लव एंड द स्पीकर, या फिर लव एंड लवर। इस पोएम का हम यूं कह सकते हैं कि दैट इज अ पोएम ऑफ लवर वर्सेस लव। ठीक है, कि इन दोनों का आपस में क्लैश दिखाया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, वो कहता है द लॉन्ग लव दैट इन माई थॉट डॉट हार्बर, कि वो मोहब्बत द लव विच इन माई आई होल्ड इन माई थॉट, और जो कि डॉट हार्बर, जो कि बहुत अरसे से मेरे सोचों पे हावी हो गई है, एंड माई हार्ट, और मेरे हार्ट पे जो हावी हो चुकी है, डॉट कीप हिज रेजिडेंस। ठीक है, वो जो है अब क्या ओवरकम कर गई है, वो मेरे हार्ट के ऊपर रेजिडेंस, यानी कि ओवरकम हो जाना। ठीक है, यहाँ पे हाबर हो जाना यानी कि उसने होल्ड कर लिया मेरी थॉट को, और वो क्या कर चुकी है, इन माई हार्ट डॉट कीप हिज रेजिडेंस, और मेरे हार्ट पे वो अपना घर कर चुकी है। ठीक है, वो मेरी सोच और मेरे दिल और मेरे दिमाग पे अपना घर कर चुकी है। Unto my face presents with bold pretense, और अब क्या है, not only मेरे heart, बल्कि मेरी सोच, बल्कि मेरे face के ऊपर भी वो जो है वो नमूदार हो चुकी है with bold pretense। ठीक है, bold pretense यानी कि पूरे expressions के साथ वो मेरे face के ऊपर display हो चुकी है। And there in campus, campus कहते हैं झंडे गाड़ देना, वहां पे camp लगा देना, और उसने जो है वो स्प्रेड हिज बैनर, उसने जो है वो वहां पे घर कर चुका है, यानी कि वो जो मोहब्बत है, लव है, वो वहां पे कैंपित हो चुका है, स्प्रेडिंग हिज बैनर, और उसने अपने झंडे वहां पे गाड़ दिए हैं, वो यहाँ पे बैनर ऑफ, और उसने डिस्प्ले कर दिया है अनशेमली द बैनर ऑफ लव। ठीक है, यहाँ पे देखें कि सबसे पहले लव जो है वो उसने लव टेक बर्थ इन हिज माइंड। ठीक है, पॉइंट्स लिखे बेटिया, लव टेक बर्थ इन हिज माइंड एंड डाइज इन हिज हार्ट। ठीक है, नंबर सेकंड लाइन है, अनटू माय फेस प्रेजेंट्स विद बोल्ड प्रिटेंस, क्या है, शोइंग ऑल साइंस हैविंग फॉलन इन लव। ठीक है, अब यहां पे वो क्या कहते हैं, ऑन आवर फेस लव इज स्टैंडिंग विक्टोरियस। ठीक है, ऑन आर फेस लव इज स्टैंडिंग विक्टोरियस, द लव हैज टेकन रूट्स इन द फेस ऑफ पोएट्स एंड डिस्प्लेज द फ्लैग ऑफ विक्ट्री। ठीक है, लव ने जो है वो अपनी मतलब रूट्स जो है वो इन द फेस ऑफ पोएट जो है वो टेकन कर ली एंड डिस्प्लेज द फ्लैग्स ऑफ विक्ट्री, लव हैज ओवरकम द होल ऑफ द पोएट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लव जो है वो एक्चुअली पोएट हार गया है और लव जो है वो जीत चुका है, वो विक्टोरियस है, लव जो है विक्टोरियस है एंड द पोएट इज हिमसेल्फ अ फेलियर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टैंजा जो है यहाँ पे फोर लाइंस के बाद कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं,
कि अब फर्स्ट स्टैंजा के अंदर उसने लव को एड्रेस किया है, लव के बारे में बात की है, ठीक है, और अपने आप को कंपेयर किया है लव के साथ. इन द सेकंड स्टैंजा नाउ अब वो शी की बात करता है, ठीक है, शी दैट मी लर्न. तो यहाँ पे एक्चुअली शी टीचर्स कौन है, ये उसकी बिलव्ड है, उसने उसको लर्न करना सिखाया. To she teaches me learn to love and suffer and will that my trust and lust is negligence be rhymed by reason shame and reverence whether it's hardiness take us displeasure. अच्छा यहाँ पे अब वो अपनी beloved के बारे में लिखता है कि उसने मुझे बताया, ठीक है, लंथ, ठीक है, उसने मुझे teach किया कि how to suffer in love, ठीक है, how to love and suffer, यानी कि how to suffer in love and will that my trust and lust negligence. और जो है उसने क्या किया इस तरीके से and will suffer and will उसकी will यानी कि will power की वो बात कर रहा है यहाँ पे, confidence को वो कह रहा है, and that the confidence that my trust and lust negligence and the confidence in her and neglect the sexual desire for her be rhymed by reason. और उसने जो है सेम लाइक उसने किस तरीके से रूल किया ओवर बाय रीजंस, यानी कि रीजंस के तौर पे उसको तमाम बातें बता दी कि उसको मुझे किस तरीके से धोखा देना है या किस तरह से बाय रीजन जो है उसको जो है मुझे मेरी लस्ट को उसको नेग्लेक्ट करना है शेम एंड रिवरेंस, शेम और रिगार्ड के साथ विच ब्रिंग अनॉयंस, ठीक है, जो कि मेरे जो मेरी मोहब्बत है मेरे लव को जिससे यानी कि bring annoyance take it displeasure sorry and reverence with the hardiness take it displeasure. displeasure किसके लिए है, with his hardiness, यानी कि वो his यहाँ पे बात हो रही है ना, तो वो लव की बात कर रहा है, ठीक है. तो उससे क्या हुआ, उसने कहा कि जब उसने जो है मुझे रूल किया बाय रीजन शेप एंड रेवरेंस, यानी कि मेरी जो बिलव्ड है उसने जब मुझे बाय रूल करने की कोशिश की बाय रीजन बाय शेम एंड बाय रेवरेंस, तो फिर क्या हुआ उसकी विद हिज हार्डनेस टेक अस डिस्प्लेयर, तो वो जो मोहब्बत है वो मुझसे नाराज हो गई, यानी कि वो जो लव था वो मुझसे नाराज हो गया. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि पहले स्टैंजा के अंदर तो वो किसका कंपैरिजन कर रहा है, लवर वर्सेस लव का, कि अब यहाँ पे किस तरीके से वो जो लव है उसने उसके खिलाफ जो है वो किस तरीके से जीता, और यहाँ पे वो बता रहा है कि वो जो लव है वर्सेस बी लव्ड जो है वो किस तरीके से जो लव है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि ये जो बी लव्ड है मेरी वो जो है मुझ पे ओवरकम करे, ठीक है. तो यहाँ पे वो जो है बता रहा है कि अब उस हार्डीनेस से क्या हुआ, विद हिज हार्डीनेस टेक अस डिस्प्लेजर, ठीक है, तो उस लव से ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, वो उसका उसकी हार्डीनेस जो है टेक अस डिस्प्लेजर, तो वो उसके लिए एक अनायंस का बायस बना. वेयर विद ऑल अनटू हार्ट फॉरेस्ट ही फ्लीट, ठीक है, फिर क्या हुआ जब उसने ये देखा कि वो जो मेरी बिलव्ड है वो मुझे बाय राइन कर चुकी है, रूल कर चुकी है बाय रीजन शेम एंड रेवरेंस, और उसने मुझे लर्न करना सिखाया टू लव टू के लव में किस तरीके से सफर किया जाता है, तो फिर क्या हुआ वो लव जो है वो मुझसे नाराज हो गया. वेयर विद ऑल अनटू हार्ड फॉरेस्ट ही फ्लीट, और फिर क्या हुआ, ही कौन है यहाँ पे, अगेन वही लव की बात वो कर रहा है कि फिर क्या हुआ कि वो मेरे हार्ट के फॉरेस्ट में कहीं भाग गया, छुप गया, भाग गया, ठीक है. तो वो एड विद द लव रिसीड्स टू द फॉरेस्ट ऑफ हार्ट लिविंग इट्स लव, ठीक है, फिर क्या है लिविंग हिज एंटरप्राइज विद पेन एंड क्राई, और उसने क्या किया अपने लव को छोड़ दिया विद पेन एंड क्राई, ठीक है, वो कहीं भाग गया, और फिर क्या हुआ उसने पेन टीयर्स में उसको जो है वो हार्ट लिविंग इट इट्स लव विद पेन एंड उसने ये पेन एंड क्राई में सब कुछ छोड़ दिया. एंड देयर हिम हिडेथ एंड नॉट अपेयरथ, और वहां पे वो कहीं हार्ट में जाके हार्ट फॉरेस्ट में कहीं जाके छुप गया, और फिर उसके बाद वो कभी नजर नहीं आया. व्हाट आई मे डू व्हेन माय मास्टर फेयरथ, मास्टर वो किसको कह रहा है, लव को कह रहा है. वो कहता है कि अब वो जो मेरा
मेरा जो लव था, ठीक है, अब वो कहता अब मैं क्या करूं जबकि मेरा जो मास्टर है, जो लव है, जिसने मेरे फेस के ऊपर पूरे झंडे गाड़े हुए थे, रिजाइड कर चुका था, सब कुछ कर चुका था, अब मैं क्या करूं जबकि वो उसको खुद ही डर लगता है, बट इन द फील्ड विद हिम टू लिव एंड डाई. और फिर जो है इन द फील्ड, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे जंग के मैदान को वो कह रहा है, और वो कहता है कि मतलब इन द फील्ड ही अगर वो मुझे जंग के मैदान में ही विद हिम टू लिव एंड डाई, व्हाट आई मे डू, ठीक है, जब मेरा मास्टर ही डरता है, बट विद इन द फील्ड विद हिम टू लिव एंड डाई, जिसके साथ मैंने जीना था मरना था, ठीक है, वही जब डरता है, ठीक है, और उसी के जरिए मैंने फाइट करना था, जो कि मेरी मोहब्बत थी और वो मेरे दिल में कहीं जाके छुप गई और मुझे अब नजर भी नहीं आ रही, तो अब मैं किसके साथ फाइट करूंगा, यानी कि जब मेरा मास्टर ही मेरे साथ नहीं है तो व्हाट स्लेव कैन डू, ठीक है, तो फॉर गुड इज लाइव एंडिंग फेथफुली, तो इससे बेहतर है कि जब मेरा मेरी मोहब्बत ही मर गई है तो उससे बेहतर है कि मैं अपनी लाइफ जो है वो फेथफुली एंड कर सकूं. अब यहाँ पे जो टोन है इसकी वो मिडीवल एंड शिवैलरिक आइडियाज है, ठीक है, मिडीवल और शिवैलरिक. शिवैलरी किसे कहते हैं, सोल्जर क्वालिटीज को, जंग लड़ने की तमन्ना, ठीक है, तो मिडीवल एंड शिवैलरिक आइडियाज बेसिकली क्या है, और ये लिखी गई है बैकग्राउंड ऑफ 16th सेंचुरी इंग्लैंड में. तो लव ने एक्चुअली कंट्रोल कर लिया है ऑल हिज टेरिटरी ऑफ हिज हार्ट एंड माइंड, बट एट द एंड क्या हुआ कि उसकी बीलव्ड की वजह से जो है वो लव कहीं जाके छुप गया और उसके बाद वो कभी नजर नहीं आया. और मतलब ऑन द अदर हैंड उसकी जो बीलव्ड है, जब उसने उसको सफर करना सिखाया इन लव, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो लव है वो उससे नाराज हो गया, ठीक है. तो ये इसका सारा जो है इसकी छोटी मोटी जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन है बेटा, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ. मोटे मोटे पॉइंट्स देख लेते हैं. बाय मोस्ट अकाउंट्स आर थॉमस वाइट, ठीक है, विजिट्स टू इटली इन 1527 गेव हिम द इंसेंटिव टू ट्रांसलेट सेवरल पेट्रार्क सोनेट्स इनटू इंग्लिश इंक्लूडिंग द वर्जन ऑफ सोनेट 140 व्हिच वाज आल्सो ट्रांसलेटेड बाय वाइट कंटेम्पोररी हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे. ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये पोएम जो है वो ट्रांसलेट की है सरे ने भी. वाइट कॉन्फिडेंस बोथ इन सुटेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एंड इन हिज कॉम्पिटेंस एज अ पोएट मे अकाउंट फॉर द फ्रीडम विच ही reinterpreted rather than slavishly translated the patriarch poem. For example, in the sonnet line 12 in the original poem alludes to lover fears of his master love, whereas White changes the poem to mean that his master love is afraid of beloved. ठीक है, अब क्या है इसका main title, क्या है कि उसका जो master है जो कि love है वो afraid है उसकी beloved से. White follows the form of traditional Italian patriarch sonnet. He also incorporated many of the common patriarchal themes derived from conventions of courtly love. ठीक है, courtly love के बारे में बेटा मैंने आपको बताया था कि courtly love क्या होता है. ये courtier poet था और खुद भी जो है courtier भी था ये खुद ना. और courtier poetry में क्या होता है कि कोई भी सिपाही या शहजादा या कोई भी आम इंसान जब किसी प्रिंसेस की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो उसको कोर्टली लव कहते हैं. या फिर कोर्ट के अंदर जो मोहब्बत की दास्तानें लिखी जाती हैं उसको बेटा कोर्ट कहते हैं. वो एक है ना, एक वो कौन सी वो होती है, एक स्टोरी होती है ना, वो जिसमें एक शहजादी होती है, वो एक किले में बंद होती है, फिर वो एक लंबी सी चुटिया होती है, वो जमीन तक लटक रही होती है, शहजादा चढ़ के फिर वो जो है वो चुटिया से वो शहजादी से मिलने जाता है. ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कोर्टली लव. ठीक है, इस तरह की जो कहानियां होती हैं वो बेसिकली कोर्टली लव के ऊपर दिखाई जाती हैं. दीज इंक्लूड एंड ऑब्वियस लवर हु मस्ट एंड्योर ग्रेट हार्डशिप इन द सर्विस ऑफ लव एंड फिकल्ड बिलव्ड हूज इंडिफरेंस कॉजेस सीवियर पेन टू हर नोबल लवर. ठीक है, उस वो जो बिलव्ड है एक्चुअली पीछे जो हमने रैपंज़ल, ठीक है, तो उसके जो पोएम थी, सॉरी ये जो पोएम है एक्चुअली वो जो उसकी बिलव्ड जो है वो
जिस तरीके से उसको धोखा देती है बातों बातों में, तो वो कहता है कि वो जो मेरा लव था फिर वो मुरझा गया। ठीक है, उस औरत ने जिस तरीके से मुझे धोखा दिया उसकी वजह से वो जो लव है वो कहीं मुरझा गया और फिर उसने फाइट करना ही बंद कर दिया। ठीक है, अल्टीमेटली तो दिस इज अ पोएम अबाउट अ लवर हु इज इन लव विद अ वीमेन, बट हुज फंडामेंटल एलिगेंस इज टू लव विद इटसेल्फ। फर्स्ट फोर लाइंस के अंदर लव इज पर्सोनिफाइड एज अ लॉन्ली नाइट हु टेक्स शेल्टर इन द स्पीकर थॉट एंड कीप्स हिज होम इन स्पीकर हार्ट। From here, the knight makes bold incursion into speaker's face, where he displays the insignia in the form of blushes, spreading his banner. Thereby portraying love as a separate entity from the lover, the speaker conveys the idea that a lover is a victim who is held hostage by love, whose thoughts, feelings, and outward expression of love are entirely involuntary. अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है ना उसमें लव को उसने पर्सोनिफाई किया है। ठीक है, पहले तो वो एज अ नाइट उसको पर्सोनिफाई करता है। नाइट सिपाही को कहते हैं, ठीक है, सोल्जर को कहते हैं, पुराने जमाने का जो कोर्टली सोल्जर होता था ना उसको नाइट कहा जाता था। और फिर क्या होता है, ये बेसिकली वो बता रहा है कि भाई उसके दिल में, दिमाग में, उसके फेस में ऐसी मोहब्बत जागी जो बड़ी तमन्नाएं जागी, लेकिन उसके बाद सेकेंड स्टेंजा के अंदर उसने उस लव को कंपेयर किया विद द जो अपनी कॉकोटिशनेस ऑफ हिज बिलव्ड के साथ, कि वो किस तरीके से उसको धोखा देती रही। द नेक्स्ट फोर लाइंस फोकस ऑन लव्स ऑब्जेक्ट नोन एज शी। ठीक है, द बिलव्ड इज डिसप्लीज विद लव्स बोल्डनेस, और बिलव्ड जो है वो डिसप्लीज हुई लव्स बोल्डनेस, प्रेफरिंग दैट हर लव इज राइन, लवर इज राइन इन हिज अनरूली पैशन बाय थ्री फोल्ड अप्रोच ऑफ राइट थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल एंड स्पिरिचुअल रेवरेंस। The beloved holds a position of authority over the lover in that she teaches how to love, kneel and to love and suffer, as well as imposes her standard as to which expression of love are appropriate with his hardness taker's displeasure. Consequently, the lover is torn between the vagaries of love's whims and his beloved censures of love's boldness. अब क्या हुआ कि वो जो lover था वो torn between हो गया, between she and the love. ठीक है, कि उसकी जो महबूबा है वो कुछ और कह रही है और उसका जो लव है वो कुछ और कह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो सारा उसका जो है वो टोन हो गया बिटवीन दीज टू। वेयर एज द फर्स्ट एट लाइन सेट फॉर द लवर सिचुएशन, द फाइनल सिक्स फोकस ऑन द रेजोल्यूशन। अब ऑब्वियसली टू आपके क्वार्टेन्स हो गए एंड नाउ वन सेस्टेट। ठीक है, आखिरी सेस्टेट लास्ट सिक्स लाइन्स जो है वो जो है फर्स्ट एट लाइन्स के बाद जो है अब सिचुएशन चेंज होती है, और लास्ट सिक्स लाइन्स जो है जिसको हम सेस्टेट कहते हैं वो जो है फोकस करता है ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ हिज डिलेमा। एंड इन रिस्पॉन्स टू द बिलव्ड डिस्प्लेजर लव फ्लीज इनटू द हार्ट्स फॉर अस विद द कॉमन पन ऑन हैट मीनिंग डियर सजेस्टिंग दैट लव इज स्प्रेड अपॉन बाय द बिलव्ड वेयर ही हाइड्स अनसीन नो लॉन्गर शोइंग हिमसेल्फ इन द लवर्स फेस। In the final three lines, the lover acknowledges that banished love is his master and concludes that he must be love's faithful servant going within him into battle, willing to die there for him. For good is life ending faithfully. ठीक है, वो कहता है कि इससे बेहतर है कि बंदा जो है वो एंड ही हो जाए। ठीक है, यानी कि अपनी जिंदगी खत्म कर ले। तो बेटा जी, ये वो पोएम है जो बेसिकली इंसान को एंड में मरना सिखाती है। ठीक है, वो भी मोहब्बत की खातिर। ठीक है, तो इस तरह के काम मत कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे। मेरा एक दिन क्या हुआ कि मेरी अम्मी ने ना मुझे एक वीडियो शेयर की। वीडियो में कुछ ये था, वो मेरी अम्मी ने बनाई थी मेरे भतीजे की। अब वो जो है दादा और पोता जो है, बल्कि आई थिंक अब्बू ने शायद अम्मी की और मेरे भतीजे की बनाई, यानी कि दादी एंड पोता जो है वो लेटे हुए हैं और वो एक गाना सुन रहे हैं, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। और मेरा वो जो भतीजा है ना, वो जो 2-2.5 साल का है अभी, माशाल्लाह से 2 साल का हो गया या 1.5-2 साल का होगा। अच्छा, वो इतना इमोशनल हुआ हुआ था ना उस पूरे सीन को देख के, क्योंकि उसमें एक बाबरा शरीफ है और दूसरा गुलाम मोइजुद्दीन एज अ हीरो। अच्छा, वो दोनों मरने वाले होते हैं एंड पे, और जो है और वो बड़ी हिट हुई थी मूवी एक दौर में, उस दौर में। तो अच्छा, मेरा जो भतीजा वो इंतहा का इमोशनल होके सुन रहा है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि ये दोनों मरने वाले हैं। तो
अच्छा वो वीडियो बना के मेरी अम्मी ने मुझे शेयर की कि ये देखो जरा जो है किस तरीके से जो है ना दादा पोता लेटे जो है ना वो गाने सुन रहे हैं। तो मैंने अम्मी को कहा उसको देखें जी अब हम बच्चों को क्या चीज सिखा रहे हैं कि तुमने इस तरह से मरना है, उसको सिखाएं भाई तूने कलमा पढ़ के मरना है। अब वो हीरो हीरोइन क्या बता रहे हैं कि अगर मरना है तो वो वाला गाना गा के मरना है जो कि हमारा मोहब्बत का गाना था। तो इस तरह के काम मत कीजिएगा, ठीक है, इन कामों का कोई वादा नहीं होता है, एंड में बंदा जाता है ईमान से भी। ठीक है चलिए जनाब नेक्स्ट पोएम की तरफ चलते हैं।